हाँ जी मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर होता है? मुक्ति और मोक्ष में कुछ अंतर होता है? मोक्ष माने भी छुटकारा और मुक्ति माने भी छुटकारा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि जो सदा काल के लिए छुटकारा हो जाता है उसको मोक्ष कहा जाता है, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान को भी इस सृष्टि पर बार बार आना पड़ता है। शास्त्रों में लिख दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर युग में आकर के अवतार लेते हैं। तो भगवान को छुटकारा नहीं है और आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा, ये कैसे हो सकता? तो मनुष्य बिचारे अर्थ को समझते नहीं है। बाप आकर समझाते हैं सदा काल की मुक्ति अर्थात मोक्ष कभी होता ही नहीं है। और बाबा जरासंध को बताते हैं अलग अलग, तो कहते हैं कि जरासंध को अलग अलग हिस्सों में बताते हैं, कहते हैं कि कोई राक्षसी ने आकर इकट्ठे कर दिए उनका, जरासंध ने उनको पढ़ के इसका भी अर्थ। शास्त्रों में ढेर की ढेर अगड़म बगड़म कथाएं लिख दी हैं। बाप आकर सार सार की बातें निकाल के आपको समझाते हैं, आप फिर भी वही टीवी में भूसा उठा लेते हैं। बाप जो हमें बातें समझाते हैं शास्त्रों की, वो सार की बातें समझाते हैं। जैसे भूसे में से दाना निकाला जाता है, सार सार को गह रहे भूसा दे उड़ाए, ये काम बाप आकर के करते हैं। तो हम भी सार सार की बातों को उठाएं। अभी शास्त्रों की ढेर झूठी बातों पर चिंतन करने से कोई फायदा नहीं। और बाप ने बोला है, कर्म इंद्रियों से जो हम पाप करते हैं उसका पाप कर्म बन जाता है प्रैक्टिकल में, बाकी मनसा में हम जो दुष्ट संकल्प करते हैं उनका पाप नहीं बनता है। ये स्वप्न और संकल्प पूर्व जन्मों की रील घूमती है स्वप्न के रूप में अथवा संकल्पों के रूप में, उसका पाप पुण्य नहीं बन सकता। देवताओं में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वो संगम युग के देवताएं हैं, और कृष्ण वगैरह जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, 10 करोड़ उनमें खास वो सतयुग त्रेता के देवताएं हैं। तो संगम युग बड़ा है या सतयुग त्रेता बड़ा है? है संगम बड़ा है। तो संगम युग में जो देवताएं बनते हैं नर से डायरेक्ट नारायण जैसे बनते हैं, वो बात ही कुछ और है।
सत्युग में जो देवताएं बनेंगे उनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं रहती, शास्त्रों में भी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये तो बाप ने आकर के हमको बताया है कि सत्युग में क्या होता है और त्रेता में क्या होता है। वो हिस्ट्री मनुष्यों के पास क्यों नहीं है? सिर्फ 2500 की हिस्ट्री हिंदुओं के पास, मुसलमानों के पास, क्रिश्चियंस के पास, यहूदियों के पास क्यों है? क्योंकि 2500 वर्ष में दुख ही दुख होता आया है। दुख के टाइम को मनुष्य बड़ी मुश्किल से काट पाता है, तो एक एक दिन गिनता है, हिस्ट्री बन जाती है। तो द्वापर कलयुग की हिस्ट्री है 2500 साल की, सत्युग त्रेता की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है। सत्युग त्रेता के देवात्माओं के सिर्फ चित्र मात्र रह गए हैं, बाकी जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में जो कुछ लिखा हुआ है वो संगम युग की बातें हैं, जबकि भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है। इसलिए सतयुग के देवताएं उतरती कला वाले हैं, और जो संगम युग के देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे, वो लगातार चढ़ती कला वाले हैं। संगम युग के सामने सतयुग की जैसे कोई वैल्यू नहीं। संगम युग आस्पीशियस युग है, इसलिए बापा कहते हैं कि ये मौज मनाने का युग है, मौजों का युग है। इस संगम युग में हम जितनी मौजें मनाए लेंगे, जन्म जन्मांतर हम उतनी मौजें इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि नशा रहेगा। इसी युग में भगवान बाप सर्वशक्तिमान हमको मिलता है, और कोई युग में नहीं मिलेगा। और वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। बरसात का मौसम, वर्षा काल, शीतकाल और ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु। वर्षा काल है संगम युग, जब ज्ञान की बरसात होती है, उसमें भी खास टाइम है श्रावण का महीना। रिम झिम लगी ही रहती है। शीतकाल है सतयुग और त्रेता, दिमाग ठंडे बने रहते हैं, कोई काम विकार की गर्मी नहीं, कोई क्रोध विकार की गर्मी नहीं। द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम, तो जो वर्षा काल है उस वर्षा काल में भी जो विशेष श्रावण का महीना है, उस श्रावण के महीने में खास सोमवार के दिन, कौन से दिन?
सोमवार। सोम माने क्या? चंद्रमा। चंद्रवार है। लोग समझते हैं देवताओं में बड़ा महादेव, लेकिन महादेव के भी सर पर कौन विराजमान है? चंद्रमा विराजमान है। तो वो पहला पहला वार है सोमवार, जबकि कृष्ण चंद्र रामचंद्र कलाओं में बंधने वाली आत्माएं है ना, उनमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। तो बाप के रूप में दोनों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या एक में बजाते हैं? एक में बजाते हैं। वो एक लिंग है, उसमें निराकार बिंदु प्रवेश होता है, इसलिए सोमनाथ के मंदिर में लाल लाल लिंग पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो लिंग पत्थर किसकी यादगार था? है? और वो हीरा किसकी यादगार था? है? उल्टा कर दिया। जो हीरा बीच में जड़ा हुआ था वो है शिव की यादगार, बिंदु की यादगार। और हीरा जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी मनुष्य है, लिंग की यादगार। जो बाबा कहते हैं कि तुम मोरे छोटे रूप बिंदु को याद नहीं कर सकते हो, अच्छा बड़े रूप को ही याद करो। तो छोटा रूप हुआ वो हीरा और बड़ा रूप हुआ लिंग। भक्त किसे याद करते हैं? लिंगों को याद करते हैं, क्योंकि भक्तों की बुद्धि तो उतनी सूक्ष्म नहीं बन पाती, और हम बच्चे तो सूक्ष्मात्म सूक्ष्म बाप के बच्चे हैं। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बाप को पहचानने वाले हैं। तो जिस शरीर रूपी लिंग में शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो लिंग रूप जो पूजा जाता है वो संपूर्ण स्टेज में पूजा जाता है या अधूरे पुरुषार्थ में पूजा जाता है? है? संपूर्ण रूप में पूजा जाता है। वो संपूर्ण रूप तब बनता है जब वो निरंतर याद में मस्त हो जाता है। शिव की याद में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी निरंतर याद में अपनी इंद्रियां भी उसे याद नहीं रहती। कानों से सुनते हुए जैसे नहीं सुनता, दुनिया ग्लानी करती रहे, ग्लानी की बातों पर वो परवाह नहीं करता। नहीं तो हम बच्चों में देवान आता है, इसने हमसे ऐसे कह दिया, उसने हमारी ये ग्लानी कर दी, हमारे बाप को गालियां देता है, हम कैसे रुक जाएं? फौरन देहभान आता है। तो उसे देह की याद नहीं रहती, देह की कर्मेंद्रियों की याद नहीं रहती, कर्मेंद्रियां जैसे हैं ही नहीं।
तो शरीर में से ये कर्मेंद्रियां निकाल दी जाए, टांग निकाल दी जाए, हाथ निकाल दिए जाए, बाहें निकाल दी जाए, इंद्रियों का वो हिस्सा, नाक आंख कान मुख वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? लिंग बचेगा। वो जो लिंग है वो कोई आत्मा है या नहीं है? आत्मा तो है, लेकिन बाप उसमें प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि वो पुरुषार्थ की संपूर्णता पर बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वैसे ही पहले नंबर में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी कौन बनता है? है शंकर बनता है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनिया में 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं, उनमें से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक शिव का नाम जोड़ा जाता है। क्या कारण है? ब्रह्मा शिव नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो जो लिंग रूप है संपूर्ण स्टेज की यादगार, वो लिंग भी तो कभी पुरुषार्थ ही रहा है कि नहीं रहा है? तो वो पुरुषार्थी जीवन में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है। कैसा पुरुषार्थ? कि ब्रह्मा जैसे पत्ते पार्ट बजाने वाले जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, विष्णु जैसे पत्ते जो पालना में पार्ट बजाने वाले हैं, और शंकर समान बच्चे, शंकर समान पत्ते जो पापी दुनिया का संहार करने में पार्ट बजाने वाले हैं, ऐसे बच्चों को चुन चुन करके शिव को अर्पण किए हैं। उसको फॉलो किया है ब्रह्मा और विष्णु ने, और ब्रह्मा और विष्णु के फॉलोअर्स ने। इसलिए भक्ति मार्ग में उन पत्तों का नाम दिया हुआ है श्रीफल के पत्ते। वो कौन सा फल है जिसको श्रीफल कहा जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र को श्रीफल क्यों कहते हैं? श्री किसका नाम है? है श्री कौन है? श्री है लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम है श्री, क्योंकि वो सदैव पवित्र रहने वाली है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इस कार्य में प्रैक्टिकल रूप में जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनी है, उसने 3 प्रकार के पत्ते इकट्ठे किए हैं और उस लिंग के ऊपर अर्पण किए हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं? वो स्थूल पत्तों को ले लेते हैं, श्रीफल के पत्तों को, और शिव के ऊपर अर्पण करते हैं। रही बात अक के फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं,
और सुगंध देते हैं कि दुर्गंध देते हैं? दुर्गंध देते हैं। ऐसे छोटे छोटे फूल भी जो दुर्गंध देने वाले हैं, अर्थात व्यभिचार की बदबू उनमें भर चुकी है, पतित है ना, वो भी तोड़ करके उनके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं कि ये भी पावन बन जाएंगे। फूल किसे कहा जाता है? अरे पूरी बात तो सुनो, फूल किस लिए कहा जाता है? फूल कहा जाता है जो बले हल्के स्वभाव के होते हैं, उनके देखने से ही सबका मन खुश हो जाता है। वो छोटा सा आक का फूल क्यों न हो, दूर होगा तो बदबू थोड़े ही आ जाएगी, देखने में तो अच्छा लगता है ना। और आक का फूल जो वैद्य लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दवाइयों में, वो अक का फूल शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। तो बताओ उन फूलों को शिव वाली आत्मा स्वीकार करती है या शंकर लिंग वाली आत्मा स्वीकार करती है? प्रैक्टिकल में उन फूलों को भोगता कौन है? शिव तो अभोक्ता है, तो शंकर ही भोगता है। तो जो शंकर भोगता है वो चैतन्य को भोगने वाला होगा या जड़ फूलों को भोगने वाला होगा? वो चैतन्य अक के फूल वो है जो छोटी छोटी बच्चियां गंदे गंदे परिवार हैं जिनके लिए बाबा ने बोला है बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदा करके फिर यज्ञ में अर्पण कर देते हैं। वो है अक के फूल। शिव बाप तो पतितों का उद्धार करने वाला है, उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर हैं धतूरे के फूल। क्या अंतर है? अक के फूल में और धतूरे के फूल में क्या अंतर है? अरे कुछ अंतर देखने में आता है कि नहीं? क्या? हाँ, धतूरे का फूल जो है वो लंबा होता है, उसमें सुराख ही लंबा होता है। दुर्गंध भी आती है, दुर्गंध व्यभिचार से निकलती है। तो बाबा कहते हैं जो वैश्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, अबलाएं हैं, सबल पुरुष उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो उनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। अपने को शिव शक्ति नहीं समझ पाती हैं, उनके वशीभूत हो जाती हैं। वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी अबलाएं क्या करें, ऐसी अबलाओं को भी बाप अर्पण कर लेता है। तो धतूरे के फूल हो, चाहे अक के फूल हो, चाहे बेलपत्र जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाप के सन्मुख तो जो भी आ जाते हैं
सबका कल्याण करने वाला है। बाबा जब बैसाखी महीना में मटका रख दे तो एक एक बूंद बैसाखी महीना भर मटका से एक एक बूंद पानी गिरा वो क्या नहीं बैसाखी। चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है, चैत्र मास में नए वर्ष की शुरुआत होती है, उसके बाद अगला महीना आता है वैशाख। वैशाख के बाद क्या आता है? जेठ। भयंकर गर्मी का टाइम आता है। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन से पहले पहले विष निकला। विष गर्म होता है या ठंडा होता है? बहुत गर्मी होती है उसमें। वो विष को शंकर जी ने पी लिया। कहते हैं विष की गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि बैसाख और जेठ का महीना तड़तड़ाती गर्मी होती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए वो जल के भड़े घड़े, वो ज्ञान जल है या स्थूल जल है, ऐसे जल के भरे हुए घड़े, घड़े माने बुद्ध रूपी घड़े, वो उनके ऊपर अर्पण किए जाते हैं। उनमें से बूंद 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 ज्ञान जल उस पर टपकता रहता है। वो ज्ञान जल शंकर के शंकर रूपी लिंग के ऊपर टपकता है या शिव के ऊपर टपकता है? है शंकर रूपी लिंग के ऊपर टपकता है, क्योंकि विष शंकर पीता है। विष की गर्मी शंकर को झेलनी पड़े या शिव झेलेगा? शंकर ही झेलता है। तो उस गर्मी को शांत करने के लिए वो जो कन्याओं माताओं रूपी घड़े, बुद्ध रूपी घड़े अर्पण किए जाते हैं, बेसिक नॉलेज में, एडवांस में नहीं, कब? बेसिक नॉलेज में। कभी वो लिंग अर्थात अधूरा पुरुषार्थी ब्राह्मण शंकर, शंकर को जनेऊ दिखाते हैं ना, वो उस ज्ञान जल को धारण करता रहता है। ठंडा ठंडा बूंदें गिरती है तो दिमाग ठंडा रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उन्होंने मिट्टी के घड़े बना लिए। मिट्टी के घड़े माने जिनमें देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है, वो देह अभिमान की मिट्टी वाले घड़े, उनमें भगवान का बेसिक ज्ञान जल भरा हुआ है। वो बेसिक ज्ञान जल बूंद बूंद करके एक एक महावाक्य उस लिंग के ऊपर टपकता रहता है और फैलता रहता है। बूंद टपकेगा तो फैलेगा कि नहीं? फैलने का मतलब हुआ विचार सागर मंथन करना, ज्ञान के एक एक पॉइंट के विस्तार में जाना। जम नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। बाप बाप में पाप बढ़ाने का रहन करने आते तो बाप के पाप को बाप तो निष्पाप है या पापी है? निष्पाप है। कौन सा बाप? मनुष्यों का बाप
या आत्माओं का बाप? आत्माओं का बाप शिव तो निष्पाप है, उस पर न पाप का पर्त चढ़ता है न कभी पुण्य का पर्त चढ़ता है, उसकी तो बात ही नहीं। तो वो कौन है जिसके ऊपर पाप और पुण्य का सबसे जास्ती पर्त चढ़ता है? है मनुष्यों का बाप प्रजापिता कहो, संपूर्ण पुरुषार्थ के रूप में शंकर कहो। वो ऐसी आत्मा है जो दुनिया के बड़े से बड़े पापियों का भी बाप है और दुनिया के बड़े से बड़े पुण्य आत्माओं का भी बाप है। नियम सृष्टि का है कि अति का अंत होता है, अति नहीं होगी तो अंत नहीं होगा। तो इस दुनिया का अंत कब होगा? जब पापों की अति हो जाएगी, तो वो पापों की अति ही जो शक्तिशाली पापी होगा वो कर सकेगा या साधारण पापी कर सकेगा? जो शक्तिशाली पापी होगा वो पापों में पाप बढ़ाने का जब रहम करेगा तो पापों के अंबार खड़े हो जाएंगे और अति कांत हो जाएगा। ये काम एक बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। और दो तरह के पंखे होते हैं, एक सफेद और एक नीले कलर का, बस में बेसिक में भी कन्याएं अर्पण होती हैं, छोटी छोटी कन्याएं अर्पण होती हैं कि नहीं? और एडवांस में भी कन्याएं अर्पण होती हैं। एडवांस में जो अर्पण होते हैं वो राजा किस्म की आत्माएं हैं या रानी किस्म की आत्माएं हैं? राजा किस्म की आत्माएं हैं। और बेसिक में जो अर्पण होती हैं वो रानी किस्म की आत्माएं हैं। अब बताओ उनमें सफेद कौन है और काले कौन है? काले हैं रुद्रमाला के, छोटी छोटी कन्याएं जो अर्पण होती हैं, और जो गोरे फूल हैं, गोरे आक के पत्ते हैं, वो बेसिक में। और ऊपर से आत्मा आती है, ऊपर से भक्ति महाराज में आत्मा क्या जो ऊपर से आत्माएं आती है और भक्ति मार्ग में कहती है उसको टोको नहीं, राम राम उनको टोको नहीं। भक्ति मार्ग वाले बेचारे जानते ही नहीं आत्माएं कहाँ से आती हैं। ये तो बाप ने आकर के बताया कि परमधाम से आत्माएं लगातार उतरती रहती हैं, उनका उतरना बंद नहीं होता जब तक सारी सृष्टि का विनाश न हो जाए। तो ये तो बात आप गलत कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि आत्माएं उतरती हैं। तो क्या कहते राम राम, राम कहो। ऐसी कोई बात भक्ति मार्ग में नहीं होती है, ये आपने अपने मन से बनाई है नहीं। किसके पहले? पार्वती पहले या गणेश पहले? है? अरे पार्वती पहले होती है या गणेश पहले होता है? फिर
और पार्वती तो है शिव की पत्नी, तो पहले शिव का पति है या पत्नी है? पहले बाप, फिर माता, फिर बच्चा। तुम क्या उल्टा करना चाहते? लेकिन बाबा वो कार्तिक को भी तो आना शिव का बच्चा कहते हैं। हाँ? तो वो कितने कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे? तीन हो गए, पहले शंकर, फिर पार्वती, फिर गणेश। जो बड़ा बच्चा होता है वो पहले पैदा होता है या छोटा बच्चा पहले पैदा होता है? बड़ा बच्चा पहले पैदा होता है। तो कार्तिकेय पहले हुआ या गणेश पहले हुआ? कार्तिकेय पहले हुआ। कार्तिकेय बड़ा भाई और गणेश छोटा भाई। हाँ उसका अर्थ ये है कि सागर में दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, दिखाते हैं ना। ये पीपल का पत्ता क्या है, सागर क्या है और वो कृष्ण कौन है? सागर है ये संसार सागर, विषय सागर, और पीपल का पत्ता है हल्की फुल्की नवैया। ऐसी हल्की फुल्की नवैया कि जब संसार सागर विषय सागर हिलोरे लेता है, माया के तूफान आते हैं, तो उस पत्ते का गायन है कि वो नैया हिलेगी ढुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सारी दुनिया देखती है खेल को, समझती है कि अरे ये इतनी हल्की फुल्की नवैया, ये अब डूबी कि अब डूबी, लेकिन वो डूबती नहीं। क्यों नहीं डूबती है? हाँ, क्योंकि जगदम्बा बाप की बेटी है। बाप अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। उस हल्की फुल्की नवैया को खेने वाला खिवैया कौन है? स्वयं बाप है। तो जिस नवैया का खिवैया बाप है वो नवैया तो डूब नहीं सकती। वो नवैया कृष्ण जैसे बच्चे को धारण करती है, कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं जो बाप का फर्स्ट क्लास बच्चा है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को अपने बुद्ध रूपी गर्भ में पेट में धारण करके रखती है, तो वो नवैया डूब नहीं सकती। पीपल का पत्ता दिखाया है, बताओ जो पीपल का पत्ता है वो कौन है? जगदम्बा। और जगदम्बा में कौन सी आत्मा प्रवेश होती है? हाँ? ब्रह्मा वाली, कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा उसमें प्रवेश है,
वो भूत प्रेतों का मुखिया है या छोटा मोटा भूत है? मुखिया है। वास्तव में कहें तो वो ही भूतनाथ है। उसके सामने कोई भूत की नहीं चल सकती। इसलिए पीपल के पेड़ को क्या समझते हैं भक्ति मार्ग में, कि उसमें भूत प्रेत निवास करते हैं। पीपल की लकड़ी को जलाते भी नहीं है कि अगर जलाएंगे तो हमारे ऊपर भूत प्रेत सवार हो जाएंगे। और बाबा, अरे वो तो बोलो, माता बिगड़ कल्याण हो न सके, है माता गुरु बिगड़ कल्याण हो न सके। हाँ, माता माता ही तो ज्ञान देती है, यहाँ पर माता गुरु बिगड़ कल्याण हो न सके दिखाया, लेकिन बाप का नाम कल्याण है। आपको पता नहीं है कि अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया है बाप दादा ने, विजयमाला का आवाहन करो। क्यों? क्योंकि बाप कल्याणकारी नहीं है जब तक उसके साथ माता नहीं है। साथ में माता होगी तो बाप भी कल्याण करेगा, क्योंकि बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आया है, निवृत्ति मार्ग की स्थापना करने नहीं आया है। इसलिए माता गुरु जरूर चाहिए। किस बात में गुरु? ऐसी कौन सी बात है जो पुरुष नहीं कर सकता, स्त्रियां कर सकती हैं, माताएं कर सकती हैं? पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा है, सब पुरुष। इसका मतलब है पवित्रता के ऊपर विजय पुरुष नहीं पा सकते। माताएं अगर अपनी पर आ जाएं तो पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। इसलिए जहां तक पवित्रता की बात है, सब पुरुषों दुर्योधन दुशासनों को माताओं को अपना गुरु बनाना पड़े। अगर पवित्र बनना चाहते हैं तो अगर माता को गुरु बनाएंगे पवित्रता के मामले में, जैसे माता कहे वैसे चलो तो पवित्र बनेंगे। अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे, माता गुरु की बात को ठुकराएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको पवित्र बना सके। प्रैक्टिकल में गुरु चाहिए पवित्र बनने के लिए, नहीं तो परम धाम जा नहीं सकते, सुखधाम जा नहीं सकते। ऐसा नियम है ईश्वरीय, जिन कन्याओं माताओं को पुरुषों ने गिराया है उन्हीं कन्याओं माताओं को उठाने के निमित्त बनाना पड़े। वो कन्याएं माताएं निमित्त बनती हैं पुरुषों को ऊपर उठाने के लिए, माता गुरु बनाना पड़े। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। जन सेवा में लगाओ और इतनी जन्मों के लिए संपूर्ण धन प्राप्त करो। धन सेवा में लगाओ तो इतनी जन्मों के लिए संपूर्ण धन प्राप्त करो। संपूर्ण धन का मतलब है उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, एक भी उंगली कटी हुई नहीं होगी, अंग सड़े गले नहीं मिलेंगे। संपूर्ण शरीर कैसा मिलेगा?
स्वस्थ कंचन काया शरीर मिलेगा। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। और शिपाली अरे क्या मुसलमानों के नाम बोलते छोले की लकड़ी क्यों जलाई जाती है? यज्ञ में क्यों, हवन में क्यों जलाई जाती है? अच्छा, समिधा जिसे कहते हैं वो यज्ञ में स्वाहा करने के लिए जंगल से इकट्ठी करते हैं। वो सूखी लकड़ियां हैं, जो गीली लकड़ी है, हरी हरी लकड़ी नहीं जलाई जाती है। यज्ञ में वो लकड़ी जलाई जाती है जो सूख करके अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है। माना ये शरीर जो है ये भी एक लाठी है। ये शरीर रूपी लाठी से पुरुषार्थ किया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब संपूर्णता की स्टेज को ये पुरुषार्थ पहुंचता है तब उसे यज्ञ में स्वाहा किया जाता है। उसको कहते हैं समिधा। और कितनी दिशाएं हैं? चार दिशाएं हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाओं के पालन करने वाले चार दिग्पाल हैं। दिग माने दिशा, दिशाओं को पालना करने वाले चार दिग्पाल। वो चार दिग्पाल चार मुख्य धर्मों के मुखिया हैं। चार मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। ये चारों मुख्य धर्मों की जो बीज आत्माएं हैं, जब भगवान बाप आते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा की मनसा की शक्ति से ये चार कुमारों का जन्म होता है, जो चार धर्मों के बीज हैं। देवता धर्म इस्लाम धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, बौद्धी धर्म का बीज। ये चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। देवी देवता सनातन धर्म, इनका मुखिया ईशान कोण में दिखाया जाता है, उत्तर और पूर्व दिशा के कोने में। दक्षिण देशों में अरब देश फैले हुए हैं, अफ्रीका में मिस्र, अरबियंस, ये इस्लाम धर्म हुए। ऐसे ही बौद्धी हैं उत्तर में, चीन जापान में, और पश्चिम में है ईसाई,
क्रिश्चियन धर्म। तो चारों दिशाओं में ये चार दिग्पाल हैं जो चारों दिशाओं की पालना करने वाले मुखिया हैं। अभी समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आया है? हाँ, तो भक्त लोग जो हैं, भक्त किन्हें कहा जाता है और बच्चे किन्हें कहा जाता है? जो बाप को पूरा पहचानते हैं, पूरा पहचानने के कारण एक बाप को फॉलो करते हैं, वो तो हैं बच्चे, पक्के सनातन धर्म के पक्के, कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, वो भक्त नहीं है। बाकी जो तीन दिशाओं के दिग्पालों को फॉलो करते हैं, अरे हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर के बौद्धी बने, हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर के इस्लामी बने, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बने। तो इन तीन दिशाओं के तीन दिग्पालों के प्रति जो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको अपना बाप बनाए लेते हैं, वो कन्वर्ट होने वाले हैं, बाप के बच्चे नहीं हैं। तो भक्त हैं या बच्चे हैं? भक्त हैं, इसलिए वो भक्त चारों दिशाओं में चक्कर काटते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि असली दिग्पाल कौन है, असली का पता लग जाए तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट क्यों हो, चक्कर क्यों काटे? और सुसुप्त अवस्था, जागृत अवस्था और एक सुसुप्त, एक स्वप्न और एक जागृत। बाबा ने कितने धाम बताए? तीन धाम बताए। एक परम धाम, दूसरा है सुखधाम और तीसरा है दुखधाम। तो आत्मा जब मनन चिंतन मंथन में है तो सूक्ष्म स्टेज को प्राप्त कर लेती है। यह सूक्ष्म स्टेज है, स्वप्न देखती है नई दुनिया की। स्वप्न अवस्था है, सुखधाम में है तो साकारी दुनिया में है, और परम धाम में चली जाती है क्या हो गई? सुसुप्त, पता ही नहीं चलता कितनी देर पड़ी रही। आदमी अगर घड़ी न रखे रात में और निबड़ अंधकार में अंधेरे में जाके सो जाए और सवेरे को 3 बजे जगे, घड़ी न हो तो अंधेरे कमरे में पता चलेगा उसे कितनी देर तक सोती रही है? नहीं पता चलेगा। ये सुसुप्त अवस्था है, जो सुसुप्त अवस्था परम धाम में बनती है। ये बेहद की तीन अवस्थाएं हैं जो आत्मा धारण करती है। और झांसी में मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी ताल का, वहाँ पर तो शिव शंकर का मंदिर होता है, लिखा हुआ।
शंकर के माथे पे कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा भूतनाथ नहीं है? शिव की पिंडी में जनेऊ क्यों लपेटते हैं? तलावा बांधते हैं, शिवलिंग जो होता है ना उस पर तलावा लपेटते हैं, ऐसे तलावा क्यों लपेटते हैं? लिंग का तो पता चल गया लिंग कौन है, और भक्ति मार्ग में बहनें जो हैं वो कलावा लपेटती हैं हाथों में भी। अब वो लिंग को तो हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, तो हाथ तो और पांव तो मिलता नहीं, उसका गला भी नहीं मिलता। तो भक्ति मार्ग में जो बेसिक वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं वो उसको पवित्रता की राखी बांध देती हैं। अब उल्टी बात हो गई ना, जो सबको पवित्र बनाने वाला है संग के रंग से उसको भक्ति मार्ग में राखी बांधते हैं। धान बोते हैं, धान जो है वो देह अभिमानी आत्मा की निशानी है। देह अभिमान का छिलका आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको कहते हैं धान। अगर वो छिलका उतार दिया जाए तो चावल रूपी आत्मा निकलती है। जब टीका लगाते हैं तो धान लगाते हैं या चावल लगाते हैं? वो चावल आत्मा की निशानी है कि अपन को आत्मिक स्थिति में टिकाऊ। तो वहां जो शादी होती है वो शादी से पहले क्या बीजारोपण करते हैं? धान का बीजारोपण किया जाता है। धान बोएंगे तो पौधा निकलेगा या चावल बोएंगे तो पौधा निकलेगा? धान बोए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा देवान का हिस्सा जरूर होना चाहिए। और बाबा कहती है प्रजापति से पहले पहले अष्टदेव होने ठीक है, वहाँ तो उसकी माताएं अष्टदेव बने। जो दो माताएं दिखाई जाती हैं उनमें एक माता है विष्णु का पार्ट धारण करने वाली और एक माता है ब्रह्मा जगदम्बा का पाठ धारण करने वाली। जो मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, दाढ़ी मूछ वाली हमारी जगदम्बा नहीं है, उसकी पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? जो माता के रूप में जगदम्बा है उसकी पूजा होती है। तो तीन देवताएं हैं, नीचे है ब्रह्मा, उससे ऊपर है विष्णु, वो दो माताएं मौजूद थी, और सबसे ऊपर बाप मनुष्यों का। तो तीन से जो षष्ठी चलेगी, वंश परंपरा चलेगी, उन तीन वंश परंपराओं में सबसे ऊंची वंश परंपरा कौन सी मानी जाएगी? है? अरे ऊपर शंकर, बीच में विष्णु, नीचे ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्म समाजी, विष्णु से वैष्णव संप्रदाय, शिव से शैव संप्रदाय,
तो सबसे ऊंचे कौन हुए? जो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिववंशी अर्थात आपस में भाई भाई, आपस में एक दूसरे को किस दृष्टि से देखें? हम भाई बहन भी नहीं है, क्या है? भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। वो सबसे ऊंची वंश परंपरा हुई। तो जो आठ सबसे ऊंचे हैं, वो ऊंच में से निकलेंगे, मीडियम में से निकलेंगे या नीचे में से निकलेंगे? तो सूर्य वंश में से निकलते हैं। वो है ज्ञान सूर्य, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री। वो सूर्य के बच्चे भी सूर्य समान हैं। वो दो माताएं अलग, उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है। वो शिववंशी में नहीं आ सकते, रुद्रमाला के मणकों में नहीं है, राजा नहीं बन सकते।